नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भाव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। सातवां ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करतार, 28 दिसंबर 2016। आज का विषय है सत्यम शिवम सुंदरम। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, सत्य यानी ट्रूथ, शिवम वेल बीइंग, सुंदरम ब्यूटी। सत्य पता होने से जीवन कल्याणकारी होता है। जहाँ कल्याण है वहीं सुंदरता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सौंदर्य के शिखर तक जाना है तो पहले हमें सत्य के पास जाना है। हमारे जीवन का ध्येय सौंदर्य की उपासना है। सत्य क्या है? मृत्यु उपरांत जीवन जानना ही सत्य है। मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा सदा सदा के लिए है। सत्य को जानने से हम अहिंसा में जीते हैं। जिस प्रकार ध्यान महाचक्र में हम सब काम छोड़कर यहाँ आए हैं, पर हम यहाँ के नहीं हैं। ध्यान महाचक्र के बाद वापस अपने घर चले जाएंगे। हमें पता है कि यहाँ कष्ट है, सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। हम कहीं भी सो जाते हैं, यहाँ एसी नहीं है, हीटर नहीं है, ये जानते हुए फिर भी आते हैं। भरपूर मनोरंजन, नवोत्साह और परमानंद को प्राप्त करने आते हैं। यहाँ पर सभी योगी आते हैं, उनके साथ ध्यान करके हम यहाँ उनसे सीखते हैं। उनसे सीखने का यही अवसर है, इसलिए हमें ही उनके पास आना है। अगर हम घर पर रहेंगे तो हमारे घर में योगी आते हैं क्या? जहाँ पर योगी हैं हमें वहाँ पर जाना है। हम सब इस प्रांगण में पैदा नहीं हुए, यहाँ आए हैं और इसी तरह यहाँ से चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे ही हम भूलोक में भी सीखने आते हैं। भूमि एक पाठशाला है। यहाँ पर अवश्य पाठ सीखने के बाद हम अपने अपने लोक में चले जाते हैं। हम हमारा घर छोड़कर यहाँ पर आए हैं, फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। यहाँ आकर पाठ सीखने ही चाहिए। यहाँ पर अध्यापक मारते भी हैं। अगर नहीं मारा तो आपको बुद्धि नहीं आएगी। इसलिए तैयार होकर बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं। इसी तरह हम धरती पर आते हैं, पाठ सीखकर हम बड़े हो जाते हैं, नहीं तो बच्चों की तरह ही रहेंगे। सत्य को जानने के लिए हठ अथवा जिद करनी चाहिए। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सत्य के बारे में बताओ। नचिकेता की आयु 11 वर्ष की थी। यमराज ने बच्चे को बहलाने के लिए कई चीज़ें, धन दौलत पैसा दिखाया और समझा बुझाकर भेजने का प्रयास किया, लेकिन बालक नहीं माना। वेमना योगी ने कहा, किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है, जो पकड़ा तो उसे बीच में छोड़ना नहीं है, जो बीच में छोड़ जाता है इससे अच्छा है वो मर ही जाए। उसी तरह नचिकेतु ने सत्य को पाने के लिए जिद की और अंत में यमराज को महासत्य का ज्ञान नचिकेतु को देना ही पड़ा। मरणांतर जीवन ही परम सत्य एवं परम ज्ञान है। सत्य के पश्चात अहिंसा के मार्ग पर चलना है। अहिंसा में जीने से जीवन मंगलकारी हो जाता है। मंगलकारी जीवन जीना शिव है। ऐसा जीवन कल्याणकारी होता है, अर्थात हमारा जीवन पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। असत्य में जीने से हम रोगी हो जाते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं शरीर, मन एवं बुद्धि मात्र हूँ, उसे आत्मा का बिल्कुल ज्ञान नहीं, वह असत्य में जी रहा है। श्री राम गुरुकुल से आने के बाद राजा दशरथ के पास गए और कहा, वहाँ सब लोग कितना ध्यान कर रहे हैं, सत्य को जान चुके हैं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। विशिष्ट मुनि को इतना ज्ञान है, लेकिन मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है।
तभी विश्वामित्र दशरथ के पास आए और कहा, राक्षसों से हमारी रक्षा करने के लिए राम को हमारे साथ वन भेजो। राजा दशरथ ने कहा कि राम तो स्वयं अभी दुख में है, अभी बालक है, उसे कुछ भी पता नहीं है, वह आपकी रक्षा कैसे करेगा। राम की और बुद्ध की एक ही कथा है, जब बुद्ध भी महल को छोड़कर नगर घूमने गए तब सत्य की खोज शुरू हुई। राम और बुद्ध जैसे हैं वैसे ही हम भी हैं। बुद्ध ने भी सत्य को जानने के लिए महल छोड़ दिया, राम ने भी सत्य को जानना चाहा। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, जब संसार में जाएंगे तभी सीखेंगे। विशिष्ट मुनि ने श्री राम के लिए 21 दिन की सत्य सभा का आयोजन किया, जिसमें राम ने पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जानने के लिए विशिष्ट मुनि से अनेक प्रश्न पूछे और विशिष्ट मुनि ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अगर आपको श्री राम की तरह सत्य को जानने की इच्छा है तभी गुरु आपको सत्य बताएगा। सत्य क्या है? चार सत्य वचन हैं। पहला, मैं शरीर नहीं। दूसरा, मैं मन नहीं। तीसरा, मैं बुद्धि नहीं। चौथा, मैं आत्मा हूँ। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। ये चार वक्तव्य ही परम सत्य है। मैं शरीर, मन, बुद्धि नहीं, आत्मा हूँ। यहाँ पर इतने लोग हैं, ये सब आत्मा हैं। एक बड़ा पेड़ है, उसके अनेक पत्तों की तरह हम सब आत्मा हैं। एक एक जीवात्मा पेड़ का एक एक पत्ता है, लेकिन पूर्ण आत्मा एक ही है। यही सत्य है। सत्य जानने से क्या होगा? तब आप शिवम में जाते हो, शिवम से जीवन मंगलकारी हो जाता है। सत्य नहीं जाना तो हिंसा में जीते हो, सत्य जान लिया तो अहिंसा में जीते हो। भगवान बुद्ध ने प्रथम सत्य बताया है कि दुख सर्वत्र है। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा सत्य, तृष्णा का कारण अविद्या है। तथा चौथा सत्य, अविद्या को दूर करने के लिए अष्टांग मार्ग है। अविद्या के कारण मनुष्य संसार के सुख की कामना करते हैं, सत्य की नहीं। 100% अहिंसा में रहने से हम स्वास्थ्य पाते हैं, स्वास्थ्य यानी वेलबींग। अगर 100% वेलबींग नहीं है तो फिर हम 100% इल बींग में हैं, यानी बीमारी में हैं। इल बींग में रहने से जीवन अमंगलकारी हो जाता है। मंगलकारी जीवन जीना शिव है, ऐसा जीवन कल्याणकारी होता है। इफ यू आर इन ट्रूथ 100% यू हैव वेलबींग, यू कम आउट फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। वेलबींग इज कॉल्ड एज शिवम इन संस्कृत। इफ नो वेलनेस, इलनेस इज देयर, यू थिंक यू आर बॉडी। अगर आप सत्य के साथ नहीं हैं तो आप रोगी हैं। उच्च लोकों में हमें भूलोक के बारे में सब पता है, पर भूलोक में आकर उच्च लोकों का ज्ञान नहीं रहता। धरती पर आकर हम सब भूल जाते हैं। उस भूले हुए सत्य को याद करना और उस सत्य के साथ जीना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मंगल शुरू होगा, अमंगल समाप्त हो जाएगा। सत्य के द्वारा हम इलनेस से वेलबींग में आ जाएंगे। मन, शरीर, बुद्धि सब अच्छा हो जाएगा। आत्मा के लिए शरीर, मन और बुद्धि तीन वस्त्र हैं, इसलिए आत्मा को त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। आत्मा सुंदर है। सत्य जानने से आप तीसरे चरण में आ जाते हो, वह है सुंदरम। तब आप सितार, वायलिन सीखते हो, तबला, पेंटिंग, नृत्य, सौंदर्य की उपासना करते हो। सत्य जानने के बाद, आत्मज्ञान के बाद ही सौंदर्य की उपासना होती है। संजय किंगी जी, कितने जन्मों में ध्यान किया तभी इतना सुंदर सितार बजा सकते हैं। लियोनार्डो डी विंची विश्वविख्यात पेंटर बने, पिछले जन्मों में कितनी ध्यान साधना की है। बिस्मिल्ला खान, पंडित रविशंकर, इतने जन्मों में ध्यान करने के बाद अब इतना मधुर सुंदर बजा रहे हैं। सत्यम
शिवम सुंदरम, सत्य के बिना शिवम नहीं है, सत्य और शिवम के बिना सुंदरम में नहीं जा सकते। सुकरात की पत्नी बहुत कठोर थी, सुकरात का रूप विकृत था। सुकरात की पत्नी को उसकी महानता दिखाई नहीं देती थी, वह हर समय अपशब्द बोलती थी, लेकिन सुकरात उसके साथ भी आनंद से रहता था क्योंकि वह सत्य को जान चुका था। उनकी पत्नी असत्य में जीती थी। हम सभी को सुकरात और कबीर की तरह बनना है। अगर कोई MLA बनना चाहता है तो उसके लिए प्रतिद्वंद्वी हैं। MLA के साथ प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन योगी के साथ कई योगी हो सकते हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर आप राजऋषि हो तो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। बिना प्रतिस्पर्धा के आनंदमय जीवन है। कोई भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। हर एक क्षेत्र में सौंदर्य ही सौंदर्य है। घर बनाने में सौंदर्य है, वाद्य बनाने में सौंदर्य है, वाद्य बजाने में सौंदर्य है। मरणांतर जीवन ही सत्य है। मरणांतर जीवन को जानने से ही आने वाला जीवन मंगलकारी हो जाएगा, वरना जीवन में कल्याण नहीं होता। 64 कलाएं हैं। हम सौंदर्य की इनके माध्यम से उपासना करते हैं। अपनी हर कला को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? पाक कला, संगीत कला, लेखन कला, गायन कला। मैंने धरती पर आने से पहले यह देखा कि कौन स्त्री धरती पर अच्छा खाना बनाती है। आकाशिक रिकॉर्ड में ढूंढा, जैसे आप गूगल सर्च करते हो। मैंने मास्टर से पूछा कि धरती पर अद्भुत खाना कौन बनाता है। तब उन्होंने मेरी माँ को दिखाया, वो कितना अच्छा खाना बनाती थी। वे गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, यूपी, पंजाबी सभी प्रकार के व्यंजन बनाती थी। मैं वहाँ से यहाँ पर अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाने आया हूँ। ये मेरा चुनाव है। मुझे चुनाव करने का इतना विकल्प था। सबको इतना विकल्प नहीं मिलता, सबको अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। मेरा कोई कर्म नहीं था, इसलिए मुझे ये विकल्प मिला। मैं कहीं पर भी जन्म ले सकता था। मेरी माँ कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। मैं सब सीखने और खाने के लिए धरती पर आया हूँ। सब पाठ सीखने के बाद, सब सीखना खत्म होने के बाद, हम खाने, संगीत, कला और सौंदर्य के लिए धरती पर आते हैं। सीखने के लिए नहीं, सौंदर्य की उपासना के लिए हम धरती पर जन्म लेते हैं। यही है सत्यम शिवम सुंदरम। आइए दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमें लगता है सत्य बोलना सत्य है। नहीं, सत्य का अर्थ है आत्मा के साथ रहना, उस सत्य को जानना, मृत्यु उपरांत जीवन क्या है इसका ज्ञान होना, ये सत्य है। जब जीवन में सत्य आ जाता है तो शिवम आ जाता है। शिवम यानी कल्याण। जब सत्य जीवन में आता है तो जीवन में कल्याण और मंगल होना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में जितना सत्य आता है उतना ही कल्याण होता है, और जितना कल्याण आता है उतना ही सुंदरता आती है, उतना ही हम सुंदरम की तरफ जाते हैं। अगर हमारे जीवन में 20% सत्य आया है तो 20% शिवम यानी कल्याण आया है, और 20% सुंदरता आई है, सौंदर्य आया है। मृत्यु उपरांत जीवन जानना, यही सत्य है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। और आत्मा को, स्वयं को धरती पर आकर जानना ही है। राम और बुद्ध दोनों का पत्री जी ने उदाहरण दिया। सबकी आत्मा की कहानी ऐसी ही है। श्री राम जब गुरुकुल से वापस आए तो बहुत ही उदास हो गए कि मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, विशिष्ट मुनि को बहुत ज्ञान है, और उदास हो गए, संसार से विरक्त हो गए। उसी समय
विश्वामित्र जी आए और उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि राम को हमारे साथ भेजो, राक्षसों से हमारी रक्षा करें। तो राजा दशरथ ने कहा, राम तो स्वयं अभी दुख में है, आपकी क्या सहायता कर सकता है। तो विश्वामित्र ने कहा कि जब संसार में जाएंगे तो अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि संसार में अनुभवों से आत्मा परिपक्व होती है। हमें ऐसा बताया गया, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम जानते हैं कि राम तो भगवान थे, लेकिन जब उन्होंने धरती पर जन्म लिया तो सब कुछ सीखा, गुरुकुल भी गए। धरती पर जो भावनाएं हैं एक मनुष्य के साथ, जो भावनाओं का उतार चढ़ाव है, पल पल उन्होंने उसे अनुभव किया और उसमें से निकलने का मनुष्य जाति को मार्ग दिखाया। उस समय विशिष्ट मुनि जी ने श्री राम के लिए सत्य सभा का आयोजन किया और श्री राम ने उस सत्य सभा में ब्रह्मांड से संबंधित, आत्मा से संबंधित, माया से संबंधित, सत्य से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे और उन सभी का उत्तर विशिष्ट मुनि ने दिया, जिसे योग विशिष्ट ग्रंथ में एकत्रित किया गया है। अद्भुत ग्रंथ है। जब हम ध्यान करके इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ पहले से ही लिख कर दिया है, क्योंकि हम ध्यान नहीं करते इसलिए हमें कुछ भी समझ नहीं आया। हम पढ़ते भी हैं तब भी हमें समझ नहीं आता। योग विशिष्ट अगर आप पढ़ें तो उसमें सारांश यही निकलता है कि ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, यही हर आत्मा की जीवन यात्रा का पाठ्यक्रम है। भगवान बुद्ध जब चारों तरफ दुख देखा तो सत्य की खोज के लिए महल छोड़कर निकल गए। उन्होंने चार आर्य सत्य बताए। दुख है तो दुख का कारण भी है, कारण है तो कारण क्या है? अविद्या दुख का कारण है, तृष्णा दुख का कारण है, और ये अविद्या कैसे दूर होगी? तो अविद्या को दूर करने के लिए अष्टांग मार्ग बताया, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, संसार की चीजों के पीछे भागता है, सत्य के पीछे नहीं भागता, और संसारिक तृष्णा, संसारिक इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं। ये ऐसा ही है जैसा आप अग्नि में और ईंधन डालते जाते हैं, वो और प्रज्वलित होती जाती है। तो भगवान बुद्ध ने इस अविद्या को समाप्त करने के लिए अष्टांग मार्ग दिया। अष्टांग मार्ग में सही दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, चीजों को देखने का नजरिया सही होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण सही नहीं है तो हर अच्छी चीज में भी वो कुछ बुरा ढूंढ लेता है, और जिसका दृष्टिकोण सही है वो हर एक कठिन परिस्थिति में भी कुछ अच्छा ढूंढकर आगे बढ़ जाता है। सही विचार, हमारे विचार सही होने चाहिए। आज विज्ञान भी ये सिद्ध कर रहा है कि 99% बीमारियां हमारे विचारों के कारण हैं, जिनका हमारे विचारों को ठीक करने से ही हल हो सकता है। अगर हमारे विचार सही नहीं हैं तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और हमारा शरीर रोगी हो जाता है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, अगर हमारी सोच विनाशकारी है तो हमारी ऊर्जा बिल्कुल नीचे होगी, और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे घटती चली जाएगी, और अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे। ऊर्जा कम तो अवश्य होगी लेकिन उसका सही उपयोग करेंगे, सही जगह अपनी ऊर्जा लगाएंगे, व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। और अगर हमारी सोच चमत्कारिक होगी तो हमारी ऊर्जा का स्तर हमेशा ऊपर रहेगा, हमारी ऊर्जा खर्च भी होगी और साथ साथ बढ़ती भी जाएगी, तो हमारा जीवन भी चमत्कारी हो जाएगा। सही इच्छा, हमें इच्छाएं सही रखनी हैं। अगर हमारी इच्छा सही ना हो तो हम अपना समय और ऊर्जा उस इच्छा के लिए खर्च कर देते हैं और फिर जीवन से थक हार जाते हैं। सही वाक, हम जो शब्द बोलते हैं वो ब्रह्मांड में हमारी ऊर्जा को लेकर जाते हैं और कई गुना बढ़ाकर उस ऊर्जा को वापस लेकर आते हैं। अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और आसपास का वातावरण तरंगित हो जाता है, क्योंकि हर शब्द की अपनी ऊर्जा है। और अगर हमारा वाक शुद्ध नहीं है,
अशुद्ध है, हम बुरा बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो वो अपशब्द उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में लेकर जाएंगे और वह ऊर्जा कई गुना बढ़कर हमारे पास ही वापस आ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा को भेजने का केंद्र हम हैं। सही कर्म, हमें अपने कर्म भी सही रखने हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसी के अनुसार हम कार्य भी करें। अगर हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्म एक ही दिशा में हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार घटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सही वाक और सही कर्म, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो जीवन जीने का अनमोल सूत्र है, सही जीविका उपार्जन, यानी हम जो धन कमा रहे हैं, हमें सही तरीके से धन कमाना है। दूसरों को दुख देकर, दूसरों को कष्ट देकर, बेईमानी करके हम धन कमाएंगे, तो उस धन के साथ दूसरों की बददुआएं हमारे पास आ जाएंगी और फिर हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो हमें सही ढंग से धन कमाना है, झूठ से, बेईमानी से, फरेब से धन नहीं कमाना। और सही एकाग्रता, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने मन को एकाग्र सही जगह पर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सही ध्यान। लोग समझते हैं हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, यही हमारा ध्यान है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा आनापानासति ध्यान, ये पाली भाषा का शब्द है। आनापानासति यानी श्वास के साथ ध्यान करना, श्वास ऊर्जा के साथ रहने से। हम पत्री जी ने बहुत सुंदर दो शब्दों का इस्तेमाल किया, वेल बींग एंड इल बींग। अगर हम वेल बींग शब्द को देखें तो ये वी से शुरू होता है। जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, वेल बींग में रहते हैं। और अगर हम इल बींग शब्द को देखें तो ये आई से शुरू होता है, इल से शुरू होता है। मैं संकुचित बुद्धि में अगर रहता हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाए, मैं सबका छीन लूँ, तो हम बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। आत्मा को त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। ये शरीर, मन और बुद्धि आत्मा के तीन वस्त्र हैं। इस त्रिपुर सुंदरी के लिए भूमंडल एक पाठशाला है। यहाँ आत्मा सीखने के लिए आती है और योगी बनने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। और जब आत्मा अपने सारे सबक धरती पर आकर सीख लेती है, तो फिर खाने के लिए, खाने का आनंद लेने के लिए, संगीत का आनंद लेने के लिए, कला का आनंद लेने के लिए, सौंदर्य का आनंद लेने के लिए धरती पर आती है। सीखने के लिए नहीं, सौंदर्य की उपासना करने के लिए धरती पर आती है। तो ये है सत्यम शिवम सुंदरम। जब आप सत्य के साथ रहते हो, आपका जीवन शिवम यानी मंगलकारी, कल्याणकारी होता है। तब आप सुंदरम की, सौंदर्य की उपासना करते हो। जब तक सत्य नहीं है, तब तक जीवन में शिवम यानी कल्याण नहीं है, और तब तक आप सौंदर्य के उपासक नहीं हो। ये अंतिम पड़ाव है। इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।